था तो मैं एक बार फिर बता दूं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नंबर 11, ओके। प्रूफ दैट टैन इनवर्स रूट 1 + x माइनस रूट 1 - x ओवर इट इज गिवन रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। जो नॉर्मली बेटा साथ में कंडीशन दी होती है, मैं उस पे आप लोगों को स्ट्रेस डालना चाहती हूँ। जो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, x बिलोंग्स टू 0 to π/4। बेटा इसकी जगह पे अगर कोई और कंडीशन होती ना, तो आंसर जो है मेरे पास और तरह का आता, ठीक है जी? और प्रूफ करने के लिए भी और तरह का आता। तो वो कैसे पता चलता है? पहले तो मैं एक आपको फंडा बताऊं, जब भी 1 + x और 1 - x हो ना, और अंडर रूट के अंदर हो, 95% बेटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा ही पुट होता है, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या होता है, 1 + cos θ, मुझे पता है 2 cos² ½ हो जाता है, ठीक है जी? तो इसीलिए, और हमें यहाँ प्रूफ से भी थोड़ा सा पता चल रहा है। आप क्या पुट करोगे? पुट मेरे पास तो है x इज इक्वल टू cos 2θ। क्यों 2θ लिया? हाफ एंगल करूंगी तो आंसर थीटा में आ जाएगा, और यहां पर भी 1/2। अगर आप थीटा से भी करते हो तब भी आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा, उससे भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ पुट करके। टेन इनवर्स अंडर रूट। अब बेटा 1 की जगह पे मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगी। हम नॉर्मली 1 की जगह पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कब पुट करते हैं? जब यहाँ पर साइन थीटा होता है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कुछ नहीं पुट करना, ये ऐसे ही एज इट इज सब्स्टिट्यूट हो। हमने पिछले क्वेश्चन में 1 की जगह पे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा पुट किए, ठीक है बेटा? चलिए अब यहाँ पर 1 - cos 2θ ओवर अंडर रूट 1 + cos 2θ प्लस अंडर रूट 1 - cos 2θ। अब बेटा देखिए यहाँ पर सिंपल फॉर्मूलाज लगेंगे। 1 + cos 2θ बेटा मेरे पास क्या होता है, 2 cos² हाफ ऑफ द एंगल, वो थीटा, और इसका अंडर रूट है, ऐसे ही रूट 2 जो है मेरे पास sin² θ हाफ ऑफ द एंगल, ओके बेटा? तो यहां पर मेरे पास हो गए, आगे क्या हो गया, रूट 2 cos² θ प्लस 2 sin² θ अंडर अंडर रूट, ये क्लोज। अब बेटा यहां पर हम लोग क्या करेंगे, √2 √2 √2 √2 सेपरेट कर सकते हैं, और रूट के नीचे कॉस स्क्वायर है, तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, कॉस थीटा बाहर निकलेगा। तो बेटा √2 √2 √2 कॉमन लेके कटिंग हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, देखिए लेट अस सी। हाँ जी बेटा, तो अब मेरे पास टैन इनवर्स, हाँ जी, √2 मैंने ऊपर से भी कॉमन ले लिया, नीचे से डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लिया, और बेटा मेरे पास यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके दिस विल कैंसिल। अब बेटा मैं क्लियर कट बता दूं, क्योंकि एक्स मेरे को बिलोंग कर रहा था 0 to π/4 कर रहा था, तो यहाँ पर एक्स नहीं है, आपको टेंशन ही अभी लेनी,
जब एक्स की टर्म में आता है तब चेक करा करो वेदर वहां पर वो पॉजिटिव रहेगा कि नहीं। वैसे बता दूं अगर एक्स 0 टू पाई बाय 4 में है तो सब कुछ पॉजिटिव रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए अब आगे हम क्या करेंगे, आपको पता है पाई बाय 4 में आंसर चाहिए, आगे भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर कॉस से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जब कॉस से डिवाइड किया, साइन को कॉस से डिवाइड किया, तो ये टेन थीटा हो गया ओवर वन प्लस, ये भी क्या हो गया टेन थीटा हो गया बेटा, ओके जी ब्रैकेट क्लोज। अब टेन इनवर्स ये देखो वन माइनस कॉस थीटा ओवर वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है बेटा, मेरे पास टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा होता है ना आपके पास। अब आगे क्या आएगा बेटा, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएगा, ये 100% पॉजिटिव आएगा मेरे पास, तो यहाँ पर पाई बाय फोर माइनस थीटा। अब बेटा देखिए ये पाई बाय फोर माइनस थीटा है, हमने थीटा जो है एक्स को क्या लेट किया था स्टार्टिंग में, दैट इज कॉस टू थीटा, तो ये कॉस इनवर्स पहले इधर आया, तो कॉस इधर आया तो कॉस इनवर्स टू थीटा, ये टू गया तो टू वन बाय टू, यानी थीटा की प्लेस में क्या लिखोगे वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, तो मेरे पास पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू कॉस इनवर्स एक्स, यही हमारा आर एच एस एन, क्लियर बेटा। एनी डाउट टू एनी वन बेटा, यू जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी एनी डाउट। चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, उससे पहले भी आया होंगे बट रिसेंटली 2020 में मींस लास्ट ईयर के पेपर में आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास हो गए क्वेश्चन 12। क्या क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9 बाय 4 साइन इनवर्स मेरे पास 1 बाय 3 इज इक्वल टू 9 बाय 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाय 3। आप बेटा इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, आपको आंसर में 9 बाय 4 चाहिए और ये दो टर्म्स है, तो मेरे पास जो है नाइन बाय फोर कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा 9 बाय यहां पर पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 3। अब बेटा आपने यहां पर देखिए कॉमन लिया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, ये आया, आप इसको कैसे लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 बाय 3 लिख सकते हो, कैसे लिखा यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी होती है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय 2 उसको यूज किया। अब मुझे आंसर किस में चाहिए, साइन इनवर्स में चाहिए, ये किस में है कॉस इनवर्स में, तो वो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा दें, कॉस क्या होता है बी बाय एच होता है ना, बी इज 1 एच इज 3, ये कैसे कैलकुलेट करें 9 माइनस 1 रूट 8, 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 2, तो यहाँ पर 9 बाय 4 साइन इनवर्स जो है पी बाय एच, पी इज 2 रूट 2 और एच इज 3, देखिए यही प्रूफ करना, ये कन्वर्जन करनी आपको जरूर आनी चाहिए, ओके बेटा।
क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट बेटा, एनी डाउट यू कैन आस्क मी। चलिए बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ यू सी दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व वर्ड दिया है। सॉल्व का मीनिंग क्या बेटा? मींस हमने अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट करना, एक्स है, वाई है, जेड है, टी, उसको कैलकुलेट करना। तो उसके लिए बेटा हम क्या करें, पहले तो स्टेटमेंट देखें क्या दिया हुआ है। टू टैन इनवर्स इनटू कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स टू कोसेकेंट एक्स। सबसे बड़ी बात यह है बेटा, हम सॉल्व तभी कर सकते हैं अगर मेरे पास यहां पर भी टैन इनवर्स और मैं इक्वेट कर दूं। एक मेथड तो ये, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि मैं यहाँ से x की वैल्यू किसी तरह नहीं, मतलब कोई कोसेकेंट की वैल्यू निकाल लूँ, मैं इधर पुट कर दूँ, जैसे मर्जी आप कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ना इस साइड को लेट कर दिया। लीजिए आप यहाँ टू टैन इनवर्स x का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, टैन इनवर्स कैंसिल हो जा सकता। मैं आपको कह रही हूँ ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो, जैसे आपके माइंड में चलते, ठीक है। तो मेरे माइंड में अभी आया कि मैं क्यों ना इस पूरी क्वांटिटी को जो है मैं थीटा लेट कर लूं। तो मेरे पास क्या हो गया, टैन इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू थीटा बाय टू, और ये टैन इनवर्स उधर हो गया तो मेरे पास टैन थीटा बाय टू की वैल्यू कॉस एक्स आ। उसका बेनिफिट क्या होगा, मैं इसको भी सॉल्व करूंगी, टू कोसेकेंट एक्स, इसको टू साइन एक्स लिख सकती, साइन को क्योंकि मेरे पास कॉस की वैल्यू है तो मैं इसको अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स लिख सकती। स्क्वायर एक्स, ओके। अब क्या करूंगी मैं यहां पर, कॉस एक्स की जगह पे टैन थीटा बाय टू पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया यहाँ पर, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाय टू। मैंने जितना सिंपलीफाई होता था मैंने बेटा कर दिया, ठीक है जी। अब बेटा देखिए, अब आगे वाली जो है हमारे पास, ये दोनों मेरे पास हो गए, कॉस एक्स की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास हो गए ये को सेकेंड टू वाली भी आ। अब मैं दोनों साइड्स पर पुट करूँ, फिर इसको सिंप्लीफाई करूँ, ओके। तो मेरे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट अस, मैं अभी ये रफ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास डाटा है पुट करने के लिए, तो लेट अस यू ऑन दिस साइड ताकि आपको डाटा भी विजिबल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब देखिए इस इक्वेशन में मेरे पास जो है, अच्छा आपने सॉल्व करना है, जितना मर्जी आप पहले भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर क्या स्टार्ट कर सकते हो, मेरे पास हो गए दैट इज थीटा, मेरे पास कैलकुलेट हुआ दैट इज टैन इनवर्स टू ओवर अंडर रूट वन माइनस टैन स्क्वायर जो गए थीटा बाय टू, ओके जी। अब यहां से बेटा मेरे पास क्योंकि टैन की वैल्यू चाहिए तो टैन थीटा जो गए, मैंने कैलकुलेशंस छोटी कर दी है, सिंप्लीफाई कर दी, ओके बेटा। अब मैं क्या करूं यहां पर कैलकुलेशंस सॉल्व करने के लिए, अब टैन थीटा की जगह पे मैं हाफ एंगल यूज कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, टू टैन थीटा बाय टू ओवर वन माइनस टैन
स्क्वायर थीटा बाय टू, मैंने हाफ एंगल का लगाया इधर ऐसे कैसे ही चलेगा, ओके जी, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, मैंने ये सारा इक्वेशन में वैल्यू पुट की, ठीक है, अब मैं ये रब कर रही हूँ, गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके सारी, तो मैं यहाँ पर पहुंच गई। अब बेटा मेरे पास क्या हो गया, टू टू कैंसिल, ओके जी, और ये टर्म मैं ऊपर ले जाऊं, जब मैं लेके गई तो मेरे पास tan थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय टू ओवर अंडर रूट वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय टू। अब बेटा ये रूट में है, ये बिना रूट में है, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, दैट इज रूट वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय टू, दैट इज tan थीटा बाय टू, स्केयरिंग करते दोनों साइड में, तो मेरे पास क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो एक ही क्वांटिटी में मेरा बन रहा, ये इधर आया तो प्लस हो गया, तो टू tan स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन, और मेरे पास tan स्क्वायर थीटा बाय टू वन बाय टू आया, और जब मैंने स्क्वायर घटाया तो बेटा ये नो डाउट उधर जाके रूट मेरे पास आएगा और प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अब मैंने कौन सा लेना, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, बट मैं आगे भी आपको ये बात समझाती हूँ कि आपने देखना बेटा कि मेरे पास वैल्यू जो है प्लस एग्जिस्ट सेटिस्फाई करेगी कि माइनस। अभी तो मैंने थीटा की वैल्यू निकाली है, और आपको पता है tan थीटा बाय टू स्टार्टिंग में मैंने बोला था cos x है, हमने प्रूफ किया ना, तो दैट इज प्लस माइनस वन बाय रूट टू। अब देखिए यहाँ पर, लेट मी शो यू जस्ट वेट, हाँ जी, अब cos x क्योंकि tan थीटा बाय टू मैंने प्रूफ किया था आगे कि वो cos x के इक्वल है, तो वो प्लस माइनस वन बाय रूट टू आया, तो यहाँ से x की वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, एक तो पाई बाय फोर, एक बेटा देखो cos कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, पाई माइनस पाई बाय फोर पे होता है ना, तभी आप उसको माइनस वन बाय रूट टू लिखोगे, तो ये कितना हो गया मेरे पास पाई बाय फोर और थ्री पाई बाय फोर। प्लीज दोनों पे चेक करो कौन सा सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, देखोगे ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वैल्यू पुट करने पे एक साइड पे आंसर पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव आए, वो आपने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे बेटा ये ऐसा केस लेते ही नहीं है, वो सिर्फ पॉजिटिव 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 लेते हैं, बट मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कंसिडर बोथ द केसेस और एट द एंड यू हैव टू चेक कि कौन सा सेटिस्फाई करता है कौन सा नहीं करता, ओके बेटा क्लियर, चलिए आप आगे, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्विंग में थोड़ी सी लगता है, ये 2009 में आया हुआ है 10 में आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल बुक में भी हमारे लिए, ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं, बट बच्चे प्रूफ कर देते हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि वर्ड को देखिए प्रूफ है कि सॉल्व, और कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस होती है यहाँ पर सेट करना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा फिर वर्ड है सॉल्व, टैन इनवर्स मेरे पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 टैन इनवर्स मेरे पास हो गया एक्स, और यहाँ दे दिया x is greater than 0, मतलब आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर दो आते हैं तो आपने एक को रिजेक्ट ही कर देना है नेगेटिव, ओके जी, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं तो। अब बेटा हम क्या करें यहाँ पर, अगर देखिए तो मेरे पास आप 2 को इधर लेके आ सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आपने 2 को इधर नहीं लेके आना, आप यहां पर सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो,
tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी, मतलब x की जगह पे मैं x इंटू 1 लगा सकती हूँ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स a माइनस b का। इधर ऐसे कैसे 1 बाई टू tan इनवर्स x। अब बेटा ये tan इनवर्स x वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें तो ये 1 उधर जाएगा, तो 1 बाई टू प्लस 1 कितना हो गया 3 बाई टू tan इनवर्स x। आपको पता tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 4 के, और ये 3 बाई टू उधर जाके 2 बाई 3 बन गया tan इनवर्स x। ये कट गया, मेरे पास कितना आ गया पाई बाय 6, और tan इनवर्स इधर आएगा तो tan पाई बाय 6 हो गया, और ये किसके इक्वल है 1 के। देख, और आपको पता है tan पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाय रूट टू 3 होती है ना, तो दैट मींस कि मेरे पास यहाँ पर क्या आया बेटा, दैट इज x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, और क्लियर कट ये 0 से बड़ी है, हमें कोई चेक ही नहीं करनी। ठीक है बेटा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक। कई बच्चे का बच्चा अगर 2 इधर ले जाए, 2 tan इनवर्स x पूरे को लेके कैलकुलेशन बढ़ेगी ना। पहले मैंने भी यही सोचा कि पहले मैं 2 को इधर ले जाऊं, बट मेरे दिमाग में है x इतना बड़ा, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ेंगी। फिर मेरे को फटाफट नजर आया कि यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने अप्लाई कर दी, क्वेश्चन उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, वहां पर 2 वैल्यूज बन सकती है क्योंकि वहां नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा तो 2 वैल्यूज आएंगी है ना, तो वो 2 वैल्यूज में से आपने कोई एक ही एक्सेप्ट किया, यानी ये डिपेंड करता है आप क्वेश्चन कैसे कर। ठीक है बेटा जी, एनी डाउट टू एनी वन, चले आगे। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 15, सारे एमसीक्यूज हैं, चलो देखते हैं क्या करें। हाँ जी, साइन इंटू टैन इनवर्स, और दिया हुआ है मॉड एक्स इज लेस देन 1, यानी एक्स की वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में लगकर, तो कौन सा आंसर हो। आपको भी पता है अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स ले आए ना, क्या करें इसको साइन इनवर्स लेके आने के लिए, आप इसको लेट करते हो अगर टैन इनवर्स एक्स को थीटा, तो ये टैन थीटा अगर एक्स होता है तो आपके पास टैन थीटा होता क्या है, पी बाय बी ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ट्रायंगल बनाई, ये थीटा परपेंडिकुलर इज एक्स, बेस इज 1, और ये कितना हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस हो। अब इसको साइन इनवर्स यानी साइन थीटा में कर लू, पी बाय एच एक्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स के, तो यहां से थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स के यहां पुट करेंगे ना, जब यहां पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स के, ये कैंसिल हो गया, आंसर कौन सा आया एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स। बस अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है आपने थोड़ा इतना करना, तब आपको पता ये टैन इनवर्स है, टैन इनवर्स होता है पी बाय एच, पी बाय बी, एच निकालो और सीधा इसकी जगह पे साइन इनवर्स हो लिखो। ये आपको समझाने के लिए हम ये सारा कुछ करते हैं। ओके बेटा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 16 कैसे कर सकते हैं, anybody from you just raise your hand and ask me, tell me, sorry, adi how to perform this question, कोई आप में से 2 sin inverse x is equals to pi by 2
हाँ जी, कोई बता सकता है कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कोई भी नहीं? चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले इस टर्म को उधर ले जाइए, क्योंकि टू साइन इनवर्स एक्स का हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता है ना। तो क्या करें, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स पाई बाय टू माइनस सॉरी प्लस हो गया टू साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करें, इस साइन इनवर्स को उधर ले जाएं तो वन माइनस एक्स ये साइन पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स है ना बेटा। तो अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा प्लस वन में किया हुआ है कॉस थीटा, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना बेटा उतना कर। अब क्योंकि बेटा बाहर कॉस गए, आई वॉन्ट इन साइड कॉस इनवर्स, तो बेटा आपने ये फॉर्मूला किया हुआ है टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पे बेटा मैं कॉस इनवर्स जो गए वन माइनस टू एक्स के लिख सकती। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है बेटा, आप इसको थीटा लेट कीजिए, ओके, वहां से साइन इनवर्स की वैल्यू को कन्वर्ट कीजिए कॉस इनवर्स की, तब भी हो जाएगा। आपने ये देखिए, इसको थीटा लेट कीजिए, ये देखो मैं बना रही हूँ, मेरे को कैसे लर्न, कॉस ये टू थीटा हो गया, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मेरे पास जो गए, क्योंकि साइन इनवर्स है ना, साइन बनना चाहिए वन माइनस टू जो है साइन थीटा। अब यहां पर स्केयर थीटा का वन माइनस टू थीटा की जगह पे पुट कीजिए, ये स्केयर बाहर ले लीजिए, तो ये साइन इनवर्स एक्स हो गया, ये कट गया, तो मेरे पास वन माइनस टू एक्स स्केयर हो गया। देखो देखिए ये सब नहीं आपसे बनता मैनुअली, तो आप लेट करके वो सारा बना लीजिए, ठीक है। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल, तो मेरे पास वन माइनस टू ये एक्स स्क्वायर और इधर वन माइनस एक्स। अब तो आगे बेटा सॉल्विंग ही करनी है, सारी क्वांटिटीज को वन वन कैंसिल ही हो गया है ना, दोनों पॉजिटिव थे मेरे पास। अब क्या करें, मेरे पास सारी टर्म्स को इधर ले आए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। कभी ऐसे एक्स एक्स काटना नहीं, जो चीज को इवैल्यूएट करते हैं उसको कभी भी कैंसिल नहीं करते, नहीं तो आपकी एक्स वाली जीरो वो वैल्यू ही आप खत्म कर दोगे, जबकि वो भी इंक्लूड होती है। तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमन ले ली तो टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो दैट मीन्स कि आइदर एक्स इज जीरो और एक्स की वैल्यू वन बाई टू, ठीक है। अब आपने दोनों चेक, यहाँ पर तो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, तब भी आप दोनों यहाँ पुट करके देखोगे, जैसे जीरो ली, जीरो जीरो साइन इनवर्स वन रह गया, इधर जीरो हो गया काम खत्म, तो साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होता है, सेटिस्फाई करती है। वन बाय टू यहाँ वन बाय टू पुट किया, साइन इनवर्स वन बाय टू आया माइनस टू साइन इनवर्स वन बाय टू क्या बना, माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू, ओके। तो माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू, अब आपने देखना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहे है? नहीं कर रहा है ना बेटा, तो ये नहीं करना कि दोनों आंसर्स वाले को आप टिक कर दो, गलत हो जाए, क्योंकि आपके सामने वन बाय टू किस पे होती है, थर्टी पे होती है, तो ये माइनस पाई बाय थ्री आ रहा है, इधर आंसर कितना है पाई बाय टू, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यही चीज मैं आपको बार बार समझाती थी, आपने सारा सम करेक्ट किया
ऑप्शन गलत टिक कर दी तो गलत खुश है। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, सी ऑप्शन जीरो होगी, तो सी को टिक करोगे, फर्स्ट को टिक नहीं करोगे। बात समझ आई बेटा सबको ये बात? ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको मतलब डिफरेंट इन द सेंस यहाँ आपको वेरीफाई करके भी मैंने बता दिया कि दो जो वैल्यूज आती हैं जरूरी नहीं है कि दोनों की दोनों सेटिस्फाई करें, कई बार सिर्फ एक आती है। क्लियर? चले बेटा आगे, चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा अब मेरे पास क्या दिया हुआ, उसने कहा है कि tan इनवर्स x by 7 माइनस tan इनवर्स x माइनस y ओवर x प्लस y इज इक्वल्स। अब बेटा क्या कर रही, ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, यहाँ कुछ नहीं बन रहा। इस पूरे को a लेके, इस पूरे को b लेके मैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा, है ना? तो आप लगाओगे tan इनवर्स जो है a माइनस b ओवर 1 प्लस a और ये b। अब बेटा एलसीएम ले लो, तो tan इनवर्स मैं एलसीएम जो नीचे टर्म सेम आएंगी कट जाएंगी, मैं सिर्फ इसके साथ ओपन कर रही हूँ x स्क्वायर x y माइनस x y और प्लस y स्क्वायर, नेगेटिव था साइन चेंज होने थे इसीलिए किए। यहाँ पर y x प्लस y स्क्वायर प्लस मेरे पास हो गया x स्क्वायर माइनस x y, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारा कट्ठा ही काटा है, अलग अलग नहीं काटा मैं। तो क्या बचा? टेन इनवर्स वन बचा, और टेन इनवर्स वन किसका होता है? फाइव बाई फोर का। काम खत्म बेटा, क्लियर? एनी डाउट बेटा, एनी डाउट इन दिस चैप्टर? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स होंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज ट्राई करोगे खुद, दैट इज एग्जाम्पल नंबर मिसलेनियस की एग्जाम्पल नंबर 11th, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आती है, ठीक है। एग्जाम्पल 13th इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल 10th इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज सारी डिस्कस कर दी है, तो आप इनको ट्राई करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो टुमारो यू कैन आस्क, आई विल सेंड द असाइनमेंट टू यू, ओके टुमारो, एंड यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट असाइनमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम रिवाइज रिवीजन करेंगे, तो वी विल डू दीज क्वेश्चंस ऑफ असाइनमेंट, ठीक है? क्लियर बेटा?